जस्ट रोमनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। जस्ट रोमनी के द्वारा आप सभी से मुखातिब होती रहती हूं। आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूं बाजार से जुड़ी एक रिपोर्ट। दरअसल उदय कोटक ने दी है बाजार में तेज गिरावट की चेतावनी। जानिए उन्होंने क्या कहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO उदय कोटक ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का महंगाई से लड़ने का कड़ा रुख उन्हें अमेरिकी केंद्रीय बैंक के एक पूर्व चेयरमैन पॉल वॉल्कर की याद दिलाता है। पॉल वॉल्कर ने 1970-80 के दशक में अमेरिका को भारी मुद्रास्फीति के दलदल से बाहर निकालने में एक अहम भूमिका निभाई थी। उदय कोटक ने ट्वीट करते हुए ये बात कही कि फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष पॉवेल ने आखिर मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए दृढ़ता से बात की थी। इनका ये रवैया हमें पॉल वॉल्कर की याद दिलाता है, जिन्होंने 70-80 के दशक में अमेरिका में मुद्रास्फीति की कमर तोड़ दी थी। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग QT से सावधान रहें। अमेरिका वित्तीय दुनिया पर राज करता है। अफीम के बाजार जाग उठेंगे और कॉफी की महक उठेगी। बता दें कि वॉल्कर 1979 से 1987 तक US फेडरल रिजर्व के 12वें अध्यक्ष थे। वॉल्कर कार्यकाल को अमेरिका में 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में आई भारी मुद्रास्फीति को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। उदय कोटक का ये बयान शुक्रवार को पॉवेल द्वारा एक कड़ा संदेश देने के कुछ दिनों बाद आया है। पॉवेल ने जैक्सन पोल सिंपोजियम में संकेत दिया है कि US फेड आने वाले महीनों में ब्याज दरों में ज्यादा आक्रामक तरीके से बढ़ोतरी करेगा। US फेड का सबसे ज्यादा फोकस अमेरिका में 4 दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई महंगाई को नियंत्रित करने पर होगा। पॉवेल ने जैक्सन हॉल में आयोजित फेडरल रिजर्व US फेडरल रिजर्व की सालाना आर्थिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि फेडरल का कर्ज को लेकर सख्त रुख जारी रहने से परिवारों और कारोबारों को काफी तकलीफ होगी। कर्ज की दरें महंगी होने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी और नौकरियों के जाने का भी खतरा होगा। वहीं पॉवेल ने कहा कि मुद्रास्फीति को कम करने की कोशिशों के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम ऐसे ही होते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोगों की तकलीफों और अधिक बढ़ सकती हैं। फेडरल के फैसले से उन निवेशकों को निराशा हो सकती है जो उम्मीद कर रहे हैं कि फेड इस साल के अंत में अपनी दर में वृद्धि को कम कर सकता है। अपनी पिछली 2 बैठकों में दरों में 3/4 की वृद्धि करने के बाद फेड के इस फैसले को मुद्रास्फीति को काबू में करने की दिशा में उठाया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम है। फेड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि उन्हें उम्मीद है कि दरें उच्च स्तर पर बनी रहेंगी जो अर्थव्यवस्था को कुछ समय के लिए धीमा कर दें। हालांकि फेड चेयर ने यह संकेत दिया है कि US फेड अपनी आगामी 20-21 सितंबर की नीति बैठक में क्या कर सकता है। हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार US फेड से अगली मीटिंग ब्याज दरों में 0.50 से लेकर 0.75% की बढ़त की उम्मीदें हैं। तो ये थी एक रिपोर्ट जो मैंने आपको दी है। बने रहिए जस्ट रोमनी के साथ। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।